आज हम लोग तैयारी 3.0 जो सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि अगस्त महीने में तैयारी 3.0 आने वाली है, जिसमें 22-24 वाले छात्रों को भी सम्मिलित किया जाएगा, जिसके तहत बीपीएससी ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर भी जारी किया था और 24 अगस्त को एग्ज़ाम का डेट जारी किया था और 24 सितंबर को रिजल्ट जारी करने की घोषणा की थी। लेकिन अभी सूत्रों के द्वारा, न्यूज़ चैनलों के द्वारा ये अखबार, ये न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है कि मार्च महीने में ही तैयारी 3.0 आने वाली है, जिससे हम लोगों को ये व्यतीत हो रहा है कि हम लोग तैयारी 3.0 से वंचित हो जाएंगे। इससे पहले ही तैयारी 1.0, तैयारी 2.0, जिसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी खाली हो चुकी है, हम लोगों के पास अब ज़्यादा रिक्तियाँ है भी नहीं। और हम लोग पहली बार, बिहार का एक ये पहला सेशन है जिन्होंने इंट्रेंस देकर कॉलेज में अपना एडमिशन लिया है। उसके बाद हम लोगों ने पूरे साल SEP किया है, पूरे साल स्कूल में जाके अपना योगदान दिया है। ऐसा कोई बैच नहीं है इससे पहले जिन्होंने इंट्रेंस देकर एग्जाम दिया। हम लोगों का मांग बस इतना है माननीय नीतीश कुमार जी से कि आप एग्जाम कभी भी ले, हमको कोई मतलब नहीं, बस हम लोगों का पेडिंग के तौर पर ही मौका दिया जाए। 22-24 के प्रशिक्षु को किसी भी हालत में TRT3 में मौका मिलना चाहिए। अच्छी बात नहीं है, बिहार सरकार जिस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रही है, अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार में लानी है तो 22-24 वाले छात्रों को सम्मिलित करना पड़ेगा, क्योंकि ये छात्र ऐसे ही कहीं से नहीं आ गए हैं। ये छात्र इंट्रेंस एग्जाम देकर अपनी प्रतिभा दिखाकर बिहार के टॉप कॉलेज में, सरकारी कॉलेजों में अपना एडमिशन लिया है। अगर ये छात्र को एक बार मौका दिया जाए, अगर बिहार का अगर जरूरत पड़ी हम लोगों को, तो हम लोग 12 घंटे नहीं 24 घंटे अपना प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। लेकिन बिहार सरकार से हम लोगों की नम्र निवेदन है कि हम लोग मौका मिलना चाहिए। अगर सरकार हम लोगों को तैयारी 3.0 से वंचित करती है, तो हम अभी सरकार से नम्र निवेदन करते हैं, आगे चलकर हम लोग उग्र प्रदर्शन भी करेंगे और सरकार को इसका बहुत ज्यादा खामियां भुगतना पड़ेगा। अरे बोलो बोलो, मौका दो यात्री को, मौका दो। चुनावी है अभी, परमिशन नहीं मिला।